सत श्रीकाल जी, मैं डॉक्टर परमजीत सिंह कालोन फ्रॉम अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मैं अपने लास्ट वीडियो में गॉलबैडर दी प्रॉब्लम बारे डिस्कस किया, उन्होंने कारण, उन्होंने सिम्पटम्स एंड उन्होंने डायग्नोस कि करीदा। तो अज आप डिस्कस करा उन्होंने गॉलबैडर की पत्थरी, पित्ते की पत्थरी की ट्रीटमेंट बारे। तो सब तो पहला तो पेशेंट से सवाल होंगे कि जी पित्ते की पत्थरी बिना ऑपरेशन तो वह कोई इलाज हैगा, कोई मेडिसिन असी दे सकते हैं? कुछ एक मेडिसिन है एक दो जो प्रिस्क्राइब की जा सकदियां ने, पर असी प्रैफर नहीं कर रहे, दैट इज़ नॉट द प्रैफरेबल ट्रीटमेंट। वह कारण यह है कि पहला तो वो जी हैगी बहुत छोटे स्टोन के उपर, सॉफ्ट स्टोन काम करती है, कोलेस्ट्रोल स्टोन के ही काम कर सकती है सिर्फ कुछ हद तक, एंड अल्ट्रासाउंड तो यह पता नहीं लग सकता कि वैदर ये किस टाइप के स्टोनस ने, सॉफ्ट ने, हार्ड ने, इस करके कोई मेडिसिन असर करेगी कि नहीं करेगी वह सानू पता नहीं है। सैकेंड, ये मेडिसिन महीनों के लिए, ईवन सालों के लिए देनी पै सकती है टू कंप्लीटली डिजोल्व द गॉल स्टोनस, और इन्ना लंबा टाइम देने दे नाल इन्हां मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, एंड जो मेडिसिन बंद करांगे पथरी दोबारा बन सकती है। दिस इज़ नॉट द परमानेंट ट्रीटमेंट। सो जे एक लाइन से कहना हो तो जी मेडिकल ट्रीटमेंट है ये प्रैफर्ड नहीं है, सिर्फ उन्होंने पेशेंट्स ही असं देने कि जेडे पेशेंट्स सर्जरी लिए फिट नहीं है, किसी कारण करके उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, उन्होंने असं मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई की जा सकती है। दैन वट इज़ द ट्रीटमेंट, जी गोल्ड स्टैंडर्ड सारा वर्ल्डवाइड जी ट्रीटमेंट है, दैट इज़ लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, जिन्हों से कहने दूरबीन के नाल पित्ते कढ़ना। ये सब तो पहला पेशेंट का सवाल होंगे कि पित्ता कढ़ा जाता कि पत्थरी कढ़ी जाती है? यदा मैं जवाब यदा देना चाहाँगा कि जड़ा कोई भी ऑपरेशन पित्ते का हो, चाहे ओपन हो, चाहे वह दूरबीन के नाल हो, किसी के भी कली पत्थरी नहीं कढ़ी जाती, पूरे का पूरा पित्ता ही कढ़िया जाता है, दोनों सर्जरी के ओपन हो, चाहे वह दूरबीन वाली हो। पेशेंट नूं असीं आम तौर पर सेम डे ही सवेरे हॉस्पिटल बुलाईदा, पहला इनवैसिगेशन रूटीन कराइया होंदिया ने, एंड पेशेंट नूं एक ड्रिप लगाई जाती है, एंड दैन उहदे विच एक मेडिसिन दित्ती जाती है, कुछ एक गैसां संघाउण लई दित्तियां जांदियां ने, एंड पेशेंट उहदे नाल एनेस्थेटाइज़ हो जाता है। पेशेंट नूं ऑपरेशन का बिल्कुल पता नहीं लगता, एक बार उन्होंने बेहोश करने के बाद पेशेंट पेट के 5 mm या 10 mm मतलब 1 cm के 3 होल छोटे छोटे बनाए जाते हैं, जिन्होंने की होल सर्जरी बेसिकली कहते हैं। वो कैमरा पाया जाता है, कैमरे का अंदर पेट के अंदर ही सारी जड़ा व्यू है एक बार वड्डी स्क्रीन के उपर दिखता है, एंड स्पैशल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो असं ऑपरेशन करते हैं, पिता पूरा वो बाहर कढ़ लिया जाता है। ऑपरेशन तो बाद अराउंड थोड़ी देर असं 1-1.5 घंटा उन्होंने रिकवरी रखते हैं, एंड उस तो बाद पेशेंट नूं रूम या वार्ड दे विच शिफ्ट कर दिया जाता है। पेशेंट 4 घंटे बाद पेशेंट नूं लिक्विड असीं दिंदे आ, सेम नाइट उन पेशेंट नूं सॉफ्ट डाइट कोई भी दिती जा सकती है, तो पेशेंट सैकेंड डे या थर्ड डे तो अपनी नॉर्मल डाइट जिहड़ी सी भी हैगी है वो अपनी पूरी लै सकदा है। पेशेंट नूं लॉन्ग रन दे विच भी अपनी जिहड़ी वो पहला डाइट खांदा, किसी नूं कोई डाइट मॉडिफिकेशन करन दी लोड़ नहीं हुंदी। पेशेंट आम डाउट हुंदा कि पित्त दा ऑपरेशन हो गया, हुण असीं कुछ चीज़ां नहीं खा पावांगे, इदां दा कोई नहीं, जो पहला उहनां नूं डाइजेस्ट हुंदियां ने बाद विच डाइजेस्ट हुंदियां रहणगियां। सैकेंड, मूवमेंट बारे, पेशेंट सेम डे ऑपरेशन तो बाद जी लैप्रोस्कोपी दूरबीन वाला ऑपरेशन है, सेम डे ईवनिंग पेशेंट चल फिर सकता है, किसी भी साइड से साइड लै सकता है, उठ के वॉशरूम जा सकता है, एंड सैकेंड थर्ड डे तो अपना रूटीन सारा हाउस होल्ड वर्क वो कर सकता है। सेम 4-5 दिन के बाद जो काम बहुत हैक्टिक नहीं है तो अपने काम के उपर भी वापस जा सकता है। पेशेंट नूं मोस्टली 90% केसेज दे विच असीं नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिंदे आ। कुछ एक पेशेंट जिन्हां नूं कोई होर प्रॉब्लम्स ने, नाल हार्ट दी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, जां कुछ पेशेंट लेट स्टेज आया सी, आई मीन परफोरेशन गॉल बैड नाल आया सी, उन्हां नूं असीं 1-2 दिन होर एंटीबायोटिक देने लई ऑब्जरवेशन लई 2-3 दिन रख सकते हैं, अदरवाइज मोस्ट केसिस वी डिस्चार्ज द पेशेंट द नैक्सट डे। एंड पेशेंट एक बार अराउंड आफ्टर 1 वीक असीं बुलाने हैं, जे स्टिच डिजोल्व करने वाले नहीं लगे हुए तो स्टिच कर लें, या वैसे भी एक बार एग्जामिन करने लिए 1 हफ्ते बाद बुलाया जाता, उस तो बाद पेशेंट यूजली हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं पैंती। एंड ऑपरेशन के दौरान दर्द कोई खास नहीं होंगी, क्योंकि छोटे छोटे इनसीजन है, थोड़ी जी पेशेंट नूं माइल्ड पेन फील होंगी 1-2 दिन, 3-4 डे वो भी पेन कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट महसूस नहीं करता है। एंड इस तो अलावा जी सर्जरी है ओपन सर्जरी जी कि पहला असं करते अज भी अच्कल भी करते हैं, बहुत घट 2-4% केसिस के करते हैं, वो सिर्फ वो इंडीकेशन बहुत थोड़िया ने, वो असी ओपन सर्जरी अच्कल उत्थे ही करते हैं जिते कि पिता बहुत ज़्यादा आंतड़ियों के नाल अंदर जुड़िया हुए, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुई, उस उन्होंने थोड़े केसिस के सूँ लैप्रोस्कोपी की जगह पर ओपन सर्जरी करनी पै सकती है, जां पेशेंट हार्ट का जड़ा
लंग्स की कोई इदा की प्रॉब्लम है कि पेशेंट नूं असीं बेहोश नहीं कर सकते, पेट के गैस नहीं भर सकते, उन्हां केसां नूं ओपन करना पै सकता है, जां पेशेंट की कोई पहला पेट के कोई मेजर ऑपरेशन होया होवे जिस जिहदे करके पेशेंट अंदर स्कार बनया हुंदा एंड लैप्रोस्कोपी पाउण की जगह नहीं हुंदी, उन्हां केसां नूं ओपन ऑपरेशन करना पै सकता है, जां लेट प्रैगनेंसी विथ ट्राइमेस्टर च कोई कॉम्प्लीकेशन आ जाए उत्थे पित्ते का ऑपरेशन करना पै जाए तो उत्थे असीं ड्यू टू प्रैगनेंट यूट्रस असीं लैप्रोस्कोपी प्रैफर नहीं करते, उहदे च सानूं ओपन सर्जरी करनी पैंदी है, जां पित्ते दे विच देखण दे विच असीं लैप्रोस्कोप पाइए कुछ लगे कि कैंसर वर्गी सस्पिशन है तां उहनां केसिस दे विच पेशेंट सानूं ओपन करना पैंदा। सो ज़्यादातर केसिस 95% केसिस दे विच लैप्रोस्कोपी सर्जरी ही बेस्ट है, ओपन सर्जरी अजकल बहुत बहुत रेयर है, बहुत असीं ओह प्रैफर नहीं करते है, ठीक है। एंड इस तों इलावा ऑपरेशन कदों करना हुंदा, एक बार एक्यूट अटैक आंदा है उदों असीं ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई कई कुछ एक बारी कुछ पेशेंट जे सपोज अक्यूट अटैक होया है उत्थे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुई है एंड पेशेंट किसी कारण करके सर्जरी लई फिट नहीं है, थोड़े जे केसेस दे विच असीं पेशेंट उस वेले एडमिट करके एंटीबायोटिक दे के 2 to 3 days स्टेबलाइज करके फिर पेशेंट नूं घर भेज दिंदे हां एंड आफ्टर 4 to 6 weeks पेशेंट नूं दोबारा बुला के फिर सर्जरी डैफर करके 6 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद असीं दोबारा उहदी सर्जरी कर सकते हैं। एंड एक प्रोसीजर है ERCP, वो मैं मैनशन करना चाहाँगा, वो कई बार जी मैं कॉम्प्लीकेशन लास्ट अपनी वीडियो दे दसी सी कि पत्थरी स्लिप होकर अगर CBD आ जाती है उसके जॉन्डिस हो जाता है, उस केसिस असी एंडोस्कोपिक अंदर पा के वह स्टोन पहला असं क्या जाता उस प्रोसीजर ERCP कहने हैं, वो जो पत्थरी स्लिप हो जाए तो 2 procedures करने पैंते बेसिकली ERCP पहला वो स्टोन क्या जाता दैन उस तो बाद आफ्टर अराउंड 4 weeks फिर पित्ते का ऑपरेशन किया जाता एंड बाकी का रेमनेंट जो पित्ता है वो क्या जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैं सारा कुछ सानू क्लैरिफाई कर दिता है, ठीक है। थैंक यू।